थोड़ा दर्द हुआ हो रहा है। हाँ गया, ठीक हो? ये सोना, हाँ क्यों वो किधर जाना है? किधर जाना है? हैप्पी हो गए आप? दवाई ने असर कर दिया? मुंह खोल के बोलो, खुजली हो रही है गम्स में? मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के। बस बीच बीच में ऐसे ही मस्ती कर करके हम इसे जितना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, हम कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया है तो वो बेचारा बहुत ज्यादा पेन में रहा है अभी। कल से थोड़ा स्टेबल हुआ है बिकॉज अब तो इसलिए वो थोड़ा स्टेबल हुआ है, थोड़ा दर्द कम हुआ। बहुत जोर जोर से रोता है, बहुत ज्यादा, और फिर वो जब सुनो तो आप भी रेस्टलेस हो जाते हो और कुछ करने का मन नहीं करता। मेरे ऐसा लगता है बस उसके पास बैठे रहो। कल एंड आज ही वॉज अ लिटिल ओके बिकॉज हमने थोड़े थोड़े सोल्यूशंस ढूंढ लिए कि उस रोता तो है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। इकट्ठा करके लाई है और ये आपके कपड़ों के हैं। दीपिका शेख इब्राहिम ने रूहान की खतना करा दी है, लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि अगर नाजा खाला रूहान को खतनों के पैसे नहीं देती तो इसका मतलब मालूम ही नहीं चलता कि शेख दीपिका ने बेबी रूहान की खतना करा दी। आखिर दीपिका शेख इब्राहिम ने ये बात क्यों छुपाई, काफी फैंस जानना चाहते हैं। जब वो खाला ने रूहान को खतनों के पैसे दिए तभी फैंस जान पाए हैं कि दीपिका शेख इब्राहिम ने खतना करा दी है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दीपिका रूहान को लेकर शेख से मिलने सेट पर नहीं गई थी, यानी कि उन्हीं दिनों में दीपिका और शेख ने रूहान की खतना करा दी है, जिसकी वजह से दीपिका सेट पर नहीं आई। क्योंकि खतने के दिनों में बच्चा छोटा होता है और वो रोता बहुत ज्यादा है तो उसको ज्यादातर पकड़कर ही बैठना पड़ता है। और उन दिनों दीपिका का व्लॉग भी काफी टाइम बाद आया। और अच्छी बात है कि दीपिका शेख इब्राहिम ने बहुत जल्द रूहान की खतना करा दी, क्योंकि फिर बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर तब बहुत ज्यादा पेन होता है। अब आपसे ज्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दो में याद रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।